अहम खबर आप तक पहुंचाएंगे। जाली बैंक अकाउंट्स केस, नैब रावलपिंडी की रिपोर्ट में अहम इंकशाफात सामने आए हैं। बेनजीर का प्लॉट मुबैना धोखे से आसिफ जरदारी की फ्रंट कंपनी को मुंतकली का इंकशाफ भी सामने आया। मजीद क्या इंकशाफात सामने आए हैं अफजल जावेद बताएंगे। अफजल आगाह कीजिएगा। हाँ जी, देखिए ये नैब की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जो इस्लामाबाद की इंतजाम अदालत में जमा कराई गई है जाली बैंक हाउस केस के हवाले से, उसमें अहम और हैरान कुन इंकशाफात सामने आए हैं। और सबक वजी अजम मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के जो प्लाट हैं वो मुबैना धोखे से सबक सदर आसिफ जरदारी की जो फ्रंट कंपनी है उनको मुंतकिल होने का इंकशाफ हुआ। और ओमनी ग्रुप के जो डायरेक्टर रहे हैं हुसैन फैसल जामोट, उन्होंने वादा माफ गवा तमाम तफसीलात से आगाह कर दिया। और नैब की जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है उसमें बताया गया है कि क्लिफ्टन कराची में बख्त टावर जिस प्लाट पर तामीर किया गया है वो कभी बेनजीर भुट्टो की जो है मलकिया था, और बेनजीर भुट्टो प्लाट को अपने नाम करवाना चाहते थे लेकिन ऐसा नहीं हो सका। साथ साथ इस तफसीली रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि बेनजीर भुट्टो ने प्लाट अपने दो कजन जो थी शबनम भुट्टो और काना भुट्टो से खरीदा था, और बेनजीर भुट्टो ने 1998 में प्लाट अपने नाम ट्रांसफर करने के लिए कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी को भी खत लिखा था। तहम केडीए की जानब से बेनजीर भुट्टो को यह बताया गया कि इनके जो प्लाट है वो तो ओमनी के फैसल हुसैन जमोड़ के नाम पर ट्रांसफर किया जा रहा है। इस मौके पर तफ्तीशी की रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि जो अनवर मजीद ने प्लाट की खरीदारी के मुआहदे पर दस्तखत किए थे और जाहिर किया गया था कि ये प्लाट है शबनम भुट्टो और साना भुट्टो से खरीदा गया है, लेकिन वादा ऐसी कोई जो है वाक्य रोनुमा नहीं हुआ, ना ही कोई ऐसी रकम अदा की गई। साथ साथ इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि बख्तावर में जो बैंक के लिए जो जगह जो खरीदारी के लिए हुसैन लवाई ने आसिफ जरदारी की जो अफजल जावेद आगाह करने के लिए शुक्रिया आपका। अहम खबर आप तक पहुंचाएंगे। जाली बैंक अकाउंट्स केस, नैब रावलपिंडी की रिपोर्ट में अहम इंकशाफात सामने आए हैं। बेनजीर का प्लॉट मुबैना धोखे से आसिफ जरदारी की फ्रंट कंपनी को मुंतकली का इंकशाफ भी सामने आया। मजीद क्या इंकशाफात सामने आए हैं अफजल जावेद बताएंगे। अफजल आगाह कीजिएगा। हाँ जी, देखिए ये नैब की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जो इस्लामाबाद की इंतजाम अदालत में जमा कराई गई है जाली बैंक हाउस केस के हवाले से, उसमें अहम और हैरान कुन इंकशाफात सामने आए हैं। और सबक वजी अजम मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के जो प्लाट हैं वो मुबैना धोखे से सबक सदर आसिफ जरदारी की जो फ्रंट कंपनी है उनको मुंतकिल होने का इंकशाफ हुआ। और ओमनी ग्रुप के जो डायरेक्टर रहे हैं हुसैन फैसल जामोट, उन्होंने वादा माफ गवा तमाम तफसीलात से आगाह कर दिया। और नैब की जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है उसमें बताया गया है कि क्लिफ्टन कराची में बख्त टावर जिस प्लाट पर तामीर किया गया है वो कभी बेनजीर भुट्टो की जो है मलकिया था, और बेनजीर भुट्टो प्लाट को अपने नाम करवाना चाहते थे लेकिन ऐसा नहीं हो सका। साथ साथ इस तफसीली रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि बेनजीर भुट्टो ने प्लाट अपने दो कजन जो थी शबनम भुट्टो और काना भुट्टो से खरीदा था, और बेनजीर भुट्टो ने 1998 में प्लाट अपने नाम ट्रांसफर करने के लिए कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी को भी खत लिखा था। तहम केडीए की जानब से बेनजीर भुट्टो को यह बताया गया कि इनके जो प्लाट है वो तो ओमनी के फैसल हुसैन जमोड़ के नाम पर ट्रांसफर किया जा रहा है। इस मौके पर तफ्तीशी की रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि जो अनवर मजीद ने प्लाट की खरीदारी के मुआहदे पर दस्तखत किए थे और जाहिर किया गया था कि ये प्लाट है शबनम भुट्टो और साना भुट्टो से खरीदा गया है, लेकिन वादा ऐसी कोई जो है वाक्य रोनुमा नहीं हुआ, ना ही कोई ऐसी रकम अदा की गई। साथ साथ इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि बख्तावर में जो बैंक के लिए जो जगह जो खरीदारी के लिए हुसैन लवाई ने आसिफ जरदारी की जो अफजल जावेद आगाह करने के लिए शुक्रिया आपका। क्या आप कोरोना के खौफ से हैं डिप्रेशन का शिकार? अब ना हो परेशान। बोल महफूज पाकिस्तान के तहत डॉक्टर ऑनलाइन का आगाज हो चुका है। माहिरीन ने सेहत से पूछें कोरोना से मुतालिक अपने सवालात। राब्ते के लिए फोन उठाएं और डायल करें 02135091425 02135091433। लाइव कॉल्स होंगी सुपहर 2 से 3 के दरमियान। आप अपने सवालात व्हाट्सएप पर भी भेज सकते हैं 03370310377। और रह जाने वाले सवालात के जवाबात 24 घंटे ब्रेक में नशर किए जाएंगे। इस पैगाम को अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर करें और अपने प्यारों को टैग करें और इस नंबर पर व्हाट्सएप करें ताकि हम ये पैगाम आपको और आपके प्यारों को भेजें। क्या पता किसकी मदद हो जाए। तो जुड़े रहिए बोल के साथ, क्योंकि बोल का पैगाम महफूज पाकिस्तान।